वेलकम दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी खूबसूरत कंट्री के बारे में जो दिखने में तो खूबसूरत है ही, वहाँ के लोग भी बहुत ही सच्चे और अच्छे हैं। जहाँ के लोगों को जिंदगी जीना आता है, चाहे आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो या बच्चों के साथ, ये कंट्री आपको बिल्कुल परफेक्ट माहौल देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज की इस वीडियो में एक ऐसी कंट्री के बारे में जिसका नाम है सर्बिया। तो चलिए हम जानते हैं सर्बिया के बारे में। काफी लोगों ने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर हमसे ये पूछा कि वो सर्बिया कैसे जा सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है, और भी सर्बिया से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास पिछले कुछ दिनों में आई है। तो हमने सोचा कि एक छोटी वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हम दे दें, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, और उसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप यहाँ पे कमेंट करके भी हमें पूछ सकते हैं, और चाहे तो हमें फेसबुक पेज पे भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप अपनी सर्बिया की ट्रिप बहुत ही आसानी से प्लान कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको आगे आने वाली ट्रैवल, टूरिज्म और वीजा से रिलेटेड सारी वीडियोज के अपडेट मिलते रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप सर्बिया घूमने के लिए जा रहे हैं तो वीजा से रिलेटेड क्या होगा, क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी होगी, सारी चीजें। सबसे पहले हम बता दें आपको कि सर्बिया जो है वो मिडिल ऑफ यूरोप में पड़ता है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप सर्बिया में एंटर हो गए तो आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं। सर्बिया जो है वो यूरोपियन और शेंगेन कंट्रीज का पार्ट नहीं है। तो अगर आप सर्बिया जा रहे हैं और आपको यूरोप पूरा घूमना है तो आपको शेंगेन कंट्रीज का वीजा उसके लिए लेना होता है। क्या आपके पास पासपोर्ट है? हाँ, तो आपको सर्बिया जाने के लिए और किसी भी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ, अगर आपके पास में इंडियन वैलिड पासपोर्ट है तो आप सर्बिया बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। इंडियंस को वहाँ जाने के लिए किसी तरह के कोई वीज़ा की नीड नहीं होती है। आप 30 डेज के लिए सर्बिया में बिना किसी वीज़ा के सिर्फ अपने इंडियन पासपोर्ट के दम पर रह सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल वाला भी सीन नहीं है कि आपको लाइन में लगना होता है और आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना होता है। बिल्कुल फ्री आप जो है जा सकते हैं, फ्री होके, फ्री माइंड से, और वहाँ जाने के बाद में आपको जो है किसी तरह का कोई भी इशू नहीं आता है अगर आपका इंडियन पासपोर्ट आपके पास में है। उसके अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास में होने चाहिए, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए ताकि आपको इमिग्रेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो ये तो पता चल गया कि सर्बिया जाने के लिए सिर्फ हमारे पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा की नीड नहीं होती है। लेकिन क्या कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए? ऑफकोर्स, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में रखने होंगे ताकि आपका इमिग्रेशन आसानी से हो जाए। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपकी किसी भी तरह की कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही है तो आप बहुत ही ईजीली जा सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे मैं दिखाती हूँ आपको स्क्रीन पे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। सबसे फर्स्ट चीज जो आपको चाहिए होती है वो होता है आपका वैलिड पासपोर्ट, जिसकी एटलीस्ट 6 मंथ्स तक की वैलिडिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका पासपोर्ट जो है वो विदिन 2 या 3 मंथ्स एक्सपायर होने वाला है तो आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड पासपोर्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आपके पास में ऐसा पासपोर्ट होना चाहिए जो एटलीस्ट आज की डेट से 6 मंथ्स तक वैलिड हो। उसके बाद में आपके पास में होना चाहिए आपका कन्फर्म रिटर्न का टिकट। रिटर्न का टिकट बोले तो भाई आपको 30 दिन के लिए जो है परमिशन दी गई है। अगर आप 30 दिन से ज़्यादा रुक गए तो ऐसा वो कैसे मान ले कि आप 30 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तो इसके लिए आपके पास में रिटर्न का कन्फर्म टिकट होना चाहिए कि भाई हम इस दिन को वापस जाने वाले हैं। रिटर्न का टिकट चाहे आपका आपके जिस कंट्री से आप आए हैं वहाँ का हो या कहीं और का हो, बट आपके पास में कन्फर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए।
थर्ड थिंग जो आपके पास में होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका होटल का कन्फर्म बुकिंग्स। चाहे आप वहाँ किसी रिलेटिव्स के यहाँ रहने वाले हैं या होटल के, आपके पास में प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मेरी कन्फर्म बुकिंग्स है और मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ। उसके बाद बात आती है कि आपके पास में होना चाहिए आपका ट्रेवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन के लिए वहाँ रहने वाले हैं। आपका ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास में पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाके बोलेंगे कि मैं इंश्योरेंस करवा लूँगा। इंश्योरेंस आपको पहले ही करवा के जाना होता है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कहीं पे भी जाएं, चाहे हम इंडिया में घूम रहे हैं चाहे बाहर जा रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मनी। तो आपके पास में $300 to $500 जो है वो होना चाहिए, चाहे आप कैश फॉर्म में रखते हैं या कार्ड फॉर्म में, बट आपके पास में वो कंपल्सरीली होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास में है, तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आसानी से सर्बिया में एंटर कर जाएंगे। अब बात करते हैं कि मुझे तो सर्बिया में सेटल होना है, क्या मैं वहाँ सेटल हो सकती हूँ? और अगर मैं सेटल हो सकती हूँ तो मैं वहाँ करूँगी क्या? वहाँ जाके मैं क्या कर सकती हूँ? और मुझे सर्बिया ही क्यों सेलेक्ट करना चाहिए? वाई नॉट सम एल्स? आई मीन किसी और कंट्री को हमें क्यों सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, सर्बिया ही क्यों? इन सारे सवालों के जवाब अब मैं आपको देती हूँ। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैं सर्बिया चली गई 30 days का जो है मैं ट्रैवलिंग पर्पज से गई थी, 30 दिन के लिए, होटल की बुकिंग भी थी, कंफर्म टिकट भी था, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, सब कुछ था। और वहाँ जाके मेरा मन किया कि यार मुझे तो और रुकना है क्योंकि मुझे तो मज़ा आ रहा है, कंट्री अच्छी लग रही है, लोग अच्छे लग रहे हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ की करेंसी इंडिया से डाउन है। जी हाँ, वहाँ की करेंसी जो है वो सर्बियन दिनार के नाम से जानी जाती है और उसकी वैल्यू 0.70 रुपीज़ के बराबर है। तो आपके लिए ऑब्वियसली ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो वहाँ जाके आपका मन बन गया कि मुझे तो 30 days से ज़्यादा रहना, अब मैं क्या करूँ? क्या कोई सोल्यूशन है या मुझे वापस आना ही पड़ेगा क्योंकि वापस जाऊंगी तो टिकट की प्राइस, ये वो सारे एक्सपेंडिचर्स मुझे पे करने होंगे, तो अब मैं क्या करूँ? इसका सोल्यूशन भी हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही जो है इजी प्रोसेस है बेलग्रेड। बेलग्रेड जो है वो सर्बिया की कैपिटल है। आप वहाँ जाइए इमिग्रेशन ऑफिस में और वहाँ जाके अपना जो पासपोर्ट है वो दिखाइए, उनसे परमिशन ले लीजिए, वो आपको परमिशन दे देते हैं। उसके बाद आप 90 डेज तक बिना किसी प्रॉब्लम के सर्बिया में रह सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं और चाहें तो टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक जगह पे बैठ के भी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके पास 90 डेज रुकने के लिए US का वैलिड वीज़ा होना मैंडेटरी है, उसके बिना आप परमिशन लेने के लिए भी नहीं जा सकते हैं। आप सर्बिया में परमानेंट सेटल हो सकते हैं इंडियन पासपोर्ट को रखते हुए लीगल वे में। जी हाँ, उसका क्या तरीका है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको सर्बिया में मिल जाएगी। तो ये जो बातें हम बता रहे हैं ये हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं वहाँ पे और जो भी फ्रेंड्स वगैरह वहाँ रह रहे हैं उनके शेयर किए हुए फीडबैक से बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने गूगल करके ये इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो जो चीज़ें, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वहाँ पर बिज़नेस के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। लाइक आप वहाँ पर सिरेमिक का बिज़नेस कर सकते हैं, उसकी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर है। वो बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं? आप चाहे तो इंडिया से और वहाँ के जो लोग ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं उनके बीच में कनेक्शन बन सकते हैं, जिसे बोल सकते हैं हम बिचौलिया जिसे बोलते हैं, एज ए ब्रोकर का आप काम कर सकते हैं सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए। उसके अलावा वहाँ पे जो है और क्रॉकरी जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं, वो इंडस्ट्री के लिए भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप होता है। और लास्ट में जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है वो है गारमेंट्स के रिगार्डिंग। यानी मैंने आपको 3 तरह के बिज़नेस जो है वो बताए हैं जो सर्बिया में जाके आप कर सकते हैं, रिलेटेड टू सेरेमिक, रिलेटेड टू क्रॉकरी एंड रिलेटेड टू गारमेंट्स। तीनों बिज़नेस आप चाहे तो वहाँ सेट कर सकते हैं और चाहे तो एज ब्रोकर काम कर सकते हैं, जो इंडिया और वहाँ के लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बिठा रहा है। ये हुई बात बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज। सर्बिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आपके पास में स्किल्स है और आपको लगता है कि आप यहाँ पे जो है अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ जाके ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। उसके बाद बात करेगी और क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फिल्म लाइन में हैं, आप एडिटिंग, एनिमेशन और इन सब से वीडियोग्राफी से रिलेटेड काम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो भी सर्बिया में आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ जाके वो काम भी कर सकते हैं। तो ये है सर्बिया के बारे में सारी डिटेल।
तो ये वीडियो जो थी वो हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सके सर्बिया के बारे में। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे भी हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको और किसी कंट्री के बारे में इसी तरह की कोई नॉलेज चाहिए तो आप हमको कमेंट करके वो भी बता सकते हैं कि मुझे इस कंट्री का नॉलेज चाहिए। आप चाहें तो फेसबुक पेज पे भी इससे रिलेटेड क्वेरीज डाल सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिनको भी सर्बिया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, जिनको इस कंट्री के बारे में पता ही नहीं है, उन सभी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपने अभी तक ये वीडियो देखी है, आपको ऑब्वियसली ये फ्रूटफुल लगा होगा, तो आप इसे एक थम्सअप ज़रूर दें। सो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।